नमस्कार। आज सुबह से सनी डे है, सुबह से बारिश नहीं हुई है। 3-4 दिन से यहाँ लगातार बारिश हो रही थी और बारिश की वजह से पेड़ पौधों में अब थोड़ा सा अंतर भी नज़र आने लगा है। ये वाला जेरेनियम का मेरा प्लांट यहाँ बाहर रखा हुआ था, तो लगातार बारिश पड़ने से इसकी ब्रांचेज गलने जैसे कलर की होने लगी थी, तो मैंने इसे शिफ्ट कर दिया है बरामदे में, जहाँ पर बारिश का पानी नहीं पड़ेगा। और इसकी मैंने 2 कटिंग भी लगा दी हैं, ताकि अगर पुराना पौधा गलने लगे तो फिर नई कटिंग ग्रो अप हो जाए। और पुदीने के पत्ते अब जैसी बारिश का पानी पड़ा है तो ये अपने आप नॉर्मल हो गए हैं, पहले ये गोल गोल हो रहे थे, तो अभी अच्छा सा उगने लगा है। और ये मेरी एमरेलिस लिली, बारिश पड़ने के बाद इसके पत्ते बिल्कुल सीधे खड़े हो गए हैं, अभी फ्लावर बड नहीं बनी है, लेकिन प्लांट बहुत हेल्दी नज़र आने लगा है। और मेरे मॉन्स्टर प्लांट पे खूब सारी पत्तियां आ गई हैं, और जो नई पत्तियां हैं वो भी बहुत हेल्दी और डिज़ाइनदार आ रही हैं। अभी मैंने गेंदे का नहीं सोचा कि इसका क्या करना है, मुझे इसकी कटिंग लगानी है, क्योंकि बड़े प्लांट तो बेकार हो गए हैं। उसके बाद ये मेरी गार्लिक वाइन है, इसमें पता नहीं फ्लारिंग नहीं आ रही है, ये मैंने कटिंग से ग्रो किया था। ये आप कटिंग देख सकते हैं, 5 कटिंग है। और प्लांट ऊपर फर्स्ट फ्लोर से छत तक पहुंच गया है, लेकिन उसमें अभी फ्लारिंग नहीं हो रही है। और एरिका पाम साफ और हेल्दी हो रहे हैं। रेड लिली फूल खिल रहा है यहाँ पर। और एक ये बोनसाई प्लांट है, अंदर ये ऐसा होता है, इसको मैंने बाहर रख दिया है, पहले बरामदे में रखा हुआ था, तो बारिश का पानी पड़ता रहे इसलिए मैंने इसे बाहर रख दिया है। और ये अजवाइन प्लांट मेरा बहुत अच्छा फैल रहा है, इसमें भी बहुत काफ़ी ग्रोथ नज़र आई है। एरिका पाम का एक और ही प्लांट, इसमें भी एरिका पाम में नए प्लांट्स बन रहे हैं, छोटे नए प्लांट्स निकल के आए हैं अंदर से। और इसमें नई लीव्स भी बनी हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ग्रीन और हेल्दी है। और एक मैंने ये कुछ दिन पहले ही रिपोर्ट किया था, मेरा बालसम का प्लांट, ये भी अब काफ़ी अच्छा हो गया है, और इस पर एक फूल भी खिला था अभी 1-2 दिन पहले, बारिश की वजह से बहुत बुरी कंडीशन में, लेकिन पौधा बहुत अच्छा हो गया है। और ये मेरे कैलेडियम के प्लांट, मैंने कल ही एक वीडियो शेयर की थी, ये कैलेडियम के मेरे जो छत में रखा हुआ प्लांट था उसके पत्ते बहुत छोटे छोटे हैं, अब आप देख लीजिए ये कितना बड़ा है मेरे हाथ से, ये देखिए इसके पत्ते बड़े बड़े हो रहे हैं, क्योंकि मैंने ये नीचे रखा हुआ मॉइस्ट वाली जगह पर रखा हुआ है, हर समय गमला मॉइस्ट रहता है, गमला काफ़ी गहरा भी है। और मैंने गमलों की पुताई भी कराई थी, तो बीच बीच में मैंने पुताई वाले गमले रखे हैं, देखने में अच्छे लग रहे हैं। और एक मेरा ये प्लांट मैक्सिकन पिटूनिया, इसमें आज फूल खिला हुआ है, इसके ये छाया वाली जगह में रखा हुआ था, तो इसका टिप ख़राब हो गया था,
इसमें न पत्ते आ रहे थे नए और न बड़ बन रही थी, लेकिन अब इसमें ये फ्लावर खिला है पर्पल कलर का और इसमें नई नई बड़ भी बन रही है, तो ये भी सक्सेसफुल रहा। इसके बाद एक मैंने ये प्लांट रिपोर्ट किया था, तो ये भी अब बहुत ज़्यादा हेल्दी हो गया है और इस पर कल एक फूल भी खिला था जिसका मैंने शॉर्ट शेयर किया है, फूल ये गिरा हुआ है, तो काफ़ी बड़ा फ्लावर था ये और इसका कलर भी बहुत सुंदर है, तो इसे एक फ्लावर भी निकल के आया है। तो इस ये भी मैंने कटिंग से ग्रो किया था और ये एक साथ शायद दो कटिंग लगा रखी है मैंने, सिस्टर की ससुराल से लेके आई थी भी कटिंग, ये भी चल गई है और इसमें अब नई नई बड़ भी निकल रही है और प्लांट भी काफ़ी बुशी सा है। तो मेरी वाली कटिंग भी सक्सेसफुल रही है। बस मेरी ये गार्लिक वाइन सक्सेसफुल नहीं रही, ये छत तक गई है, वहाँ तक आप देख सकते हैं, लेकिन इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है, पिछले साल भी नहीं हुई और इस साल भी नहीं हो रही है, तो मुझे नहीं समझ आ रहा है कि मैं इसके साथ क्या करूं। इसके बाद ये मेरे कुछ और प्लांट है जिसमें मैंने शिफ्टिंग की है गमलों की, तो मेरा गार्डन कुछ ऐसा दिख रहा है इस समय आंगन वाला। तो ब्रह्म कमल मेरे बहुत अच्छे हो रहे हैं, लेकिन ये पिछले 3-4 दिन से बारिश में ही थे, तो मुझे दुख दुखी हो रही थी क्योंकि बारिश के पानी से ये कहीं कहीं इस तरीके से गल जा रहे हैं, जैसे ये गर्मी से ख़राब हो जा रहे थे जल करके, वैसे ये पानी से भी गल जा रहे हैं, ये यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो इसको बचाने का मुझे तरीका समझ में नहीं आ रहा है कि इसे बारिश के पानी में रखना है या नहीं रखना है। मेरी सिस्टर ने तो अपना ब्रह्म कमल फुल सनलाइट में रखा हुआ जहाँ पे बारिश धूप बारिश सब कुछ गिरती है, लेकिन गर्मियों पे उसके प्लांट की हालत बहुत बुरी थी, हालांकि उसके प्लांट पे फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा हुई है, कम से कम 10 फ्लावर आए हैं, मेरे वाले प्लांट पे तो 2 ही फ्लावर आए हैं, बल्कि एक 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 फ्लावर तो खिला भी नहीं और ये टूट गया था झटका लगने से, तो मैंने कटिंग लगा दी थी, तो कटिंग लगाने के बाद कुछ दिन तो ये बढ़ा, लेकिन उसके बाद ये फिर सूख के ख़राब हो गया। तो बस ये 2 ही फ्लावर इस प्लांट की उपलब्धि हैं, और जबकि मेरे पास ये 2 प्लांट है और दूसरे प्लांट का तो आप ये तना भी देख सकते हैं, ये कितना ऊपर तक चला गया है और कितना मोटा है, ये कम से कम 5 फीट का तना हो गया है, ये आप देख सकते हैं, मैं यहाँ से फुल व्यू दिखा रही हूँ, ये देख लीजिए मेरी बाउंड्री से ऊपर जा रखा है, ये वाला है ये मेरी बाउंड्री से ऊपर तक जा रखा है, लेकिन इसमें अभी तक मुझे उतनी फ्लावरिंग नहीं दिखी है जितनी मेरी सिस्टर के ब्रह्म कमल के प्लांट में है, हालांकि इसमें नई ग्रोथ बहुत अच्छी दिख रही है, ये देखिए रेड कलर की बड इसमें निकल के आ रही है, लेकिन पता नहीं फ्लावरिंग इसमें कब बढ़ेगी, होप फॉर द बेस्ट। उसके बाद एक मेरा ये प्लांट ख़राब हो रहा था, तो ये मैंने बारिश के पानी में बाहर रख दिया था, अब ये अच्छा होने लगा है और इसमें नए नए पत्ते आ रहे हैं, पुराने पत्तों को मैं सोच रही हूँ जो जला हुआ तो वैसे कोई पत्ता नहीं है, तो ये थोड़ा थोड़ा साइड से ख़राब हो रहे हैं, सोचती हूँ एक आध पुराने पत्ते को कट कर दूँगी, क्या पता तब इसमें कुछ नई ग्रोथ देखने को मिले। और उसके बाद एक मैंने ये लगाया था, मनी प्लांट बहुत अच्छा हो रहा है, एक मैंने दही के डिब्बे में लगाया था मनी प्लांट, ये बहुत घना हो रहा है और बहुत जल्दी जल्दी ग्रोथ कर रहा है। और ये मेरा फिडल ट्री का प्लांट है, इसमें ब्रांच निकल के आई है, एक ये ब्रांच है
और दो ब्रांच यहाँ से बन गई है। मैं सोच रही हूँ कि अब मैं ये सिंगल प्लांट बढ़ रहा है, वैसे तो इसका तना मोटा है, अगर मैं इसे सिंगल भी बढ़ने दूँ 6 फीट भी हो जाएगा तो चलेगा, अच्छा लगेगा दरवाजे के सामने रखने के लिए। कट करने की सोच रही हूँ लेकिन अभी कट करने के लिए मजबूत दिल नहीं हो पाया है मेरा, तो जब हो जाएगा तभी देख लूँगी। और एक मेरा ये नीम का पेड़, ये मुझे मेरी बहुत प्यारी कलीग ने गिफ्ट किया है, इसमें भी आजकल नई नई पत्तियाँ निकल के आ रही हैं। और इसमें इसका ये वाला जो पोर्शन है, गर्मी में इसके सारे पत्ते झड़ गए थे, मुझे लगा ये सूख गया है और मैं इसे उखाड़ने वाली थी, किसी वजह से मैं रुक गई थी। अच्छा हुआ मैं रुक गई, क्योंकि अब इसमें नई नई पत्तियाँ आ गई है, तो ये पूरा हरा भरा हो गया है और काफ़ी अच्छा हो रहा है। तो इसको भी इसकी जगह पे रख देती हूँ। ये बीच बीच पे गुलदाउदी की कटिंग लगा रखी है गार्डन में, वो भी हो रही है। और पीछे अब इस बार मैं देखूँगी कि मेरी इलायची के पौधे, बड़ी इलायची के पौधे पे इलायची आती है या नहीं आती है और कहाँ आती है। और ये मेरा लेमन ग्रास का प्लांट बांध रखा है, इसमें भी इस बार ज़बरदस्त रिपोर्टिंग के बाद ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है। और ये मेरे कड़ी पत्ते के सीड गिर गए थे, तो यहाँ आप देख सकते हैं कड़ी पत्ता का एक छोटा सा पौधा हो रहा है। कुछ दिनों बाद इसे भी मैं रिपोर्ट कर दूँगी। उधर सामने एक मैक्सिकन पिटूनिया हो रहा है, इधर ये कोलियस है, काफ़ी कुछ हो रहा है गार्डन के अंदर सीड बिखर के। और एक मनी प्लांट है मेरा यहाँ पे हो रहा है, इसके पत्ते देखिए आप, वेरीगेटेड पत्ते हैं, डिज़ाइन है इन सब में। तो एक मेरे भाई ये भी मनी प्लांट है। एक मैंने मिर्च का पौधा लास्ट ईयर बचाया था और अब इसमें बड़ निकल रही है, मिर्चें बनने को तैयार हैं। तो एक ये भी मेरा पौधा है, ये एक मैंने ये रिपोर्टिंग करी थी। इसकी ये बड़ अभी तक खिली नहीं है लेकिन पौधा बहुत हेल्दी हो गया और बहुत बुशी हो गया है, इसमें कई सारी ब्रांचेज निकल के आ गई है। और ये कि मेरा अलामांडा का पौधा है, इसके ये कितने प्यारे लगते हैं, ग्रीन के बीच में बिल्कुल वाइट, रात को भी चमकते हैं। और सॉरी ये मसंडा है, मैंने जहाँ पे टच किया वहाँ पे ये कलर चेंज हो गया, ऐसा ख़राब सा हो गया है, अदरवाइज़ ये बहुत सुंदर लगते हैं, रात को भी चमकते हैं वाइट पत्ते इसमें। अलामांडा ये येलो कलर का मेरा ये है, ये मुझे इस बार गिफ्ट मिला है मेरी कलीग से मेरे बर्थडे पे। एक मेरा रिपोर्टिंग का ये प्लांट, इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी चल गई है और अब मैं इसे यहाँ से हटा दूँगी क्योंकि यहाँ पर छाया वाली जगह है, अब मैं इसे थोड़ा धूप वाली जगह में रखने वाली हूँ ताकि इस पर फ्लारिंग भी हो जाए। ये वो लैंटर्न हिबिस्कस टाइप का कुछ है, जंगली हिबिस्कस, मैं इसको लेके आई थी कहीं से निकाल के। और ये मेरा येलो वाला अलामांडा, ये ऊपर तक फैलने लगा है, इसको अब मैं बड़ी बाल्टी में लगाऊंगी। और ये अलामांडा के दो पौधे मेरे ये हैं जो मैंने गार्डन में लगा दिए हैं, पुराने पौधे हैं मेरे पास, इनमें भी पत्ते निकल रहे हैं और इसमें भी नई नई बड़ निकल के आ गई हैं और ये ऊपर को चली गई हैं। तो बारिश की वजह से बड़ा कमाल हुआ है, सारे पेड़ पौधों में जान फूक गई है, ये मेरे हिबिस्कस में बर्ड्स बननी शुरू हो गई है। और इस वाले हिबिस्कस पे ये कल खिला था तो मैंने इसका शेयर भी किया था, ये सूख गया है। और एक ये वाले हिबिस्कस में येलो कलर की बड़ बनी है। और ये चटनी प्लांट यहाँ नीचे भी है मेरे गार्डन में, ये भी बड़ा अच्छा हो रहा है। और ये पनसेतिया की रिपोर्टिंग भी सक्सेसफुल रही है और क्रोटन की रिपोर्टिंग के बाद नई पत्तियाँ आई हैं और बड़ी सुंदर लग रही हैं, तो इसकी भी रिपोर्टिंग सक्सेसफुल रही है। और इधर मेरी रेन लिली, इसमें बड आ गई है। और एक ही मेरी टोकरी वाली रेन लिली है, इसमें तो रोज़ दो दो चाचा फूल खिल रहे हैं,
और ये मेरे 4 o'clock 9 o'clock सुबह के टाइम पे बहुत खिलते हैं, देखने लायक होते हैं। और ये मेरा ब्रासिना है, इसके पत्ते भी इस समय बड़े चमकदार और साफ साफ दिखने लगे हैं। यहाँ एक मैंने फिश पाम रखा है, थिक पत्ते हो रहे हैं इसके और इसमें नई बड़ भी निकल आई है, तो ये भी अब अच्छा हो रहा है। इधर मेरे केना लिली भी अब गर्मियों के मुकाबले इस समय बड़ी सुंदर सुंदर पत्तियाँ आ रही हैं, आई होप फ्लारिंग ही होगी अब। और इधर ये मेरी ब्लीडिंग हार्ट अब थोड़ा सा अपने डाउन फॉल पे है, हालांकि इसमें अभी कुछ फ्लावर दिख रहे हैं देखिए, लेकिन अब फ्लावर सूख के गिरने लगे हैं। मोस्टेरा प्लांट बहुत खुश है जब से बारिश हो रही है। इस पत्ते ने ये देखिए मेरा हाथ से कितने गुना बड़ा है और इसने छप्पड़ जैसा बना लिया पूरे प्लांट के लिए। इसके नीचे ये छोटी इलायची का प्लांट रखा हुआ है, इसने पूरा ढक दिया है और छोटी इलायची के प्लांट पे धूप कम आ रही होगी, वैसे ही धूप कम है आजकल, 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही है तो इसके पत्ते पीले पड़ने लगे हैं, तो इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा। और इसके नीचे मेरा एक और ये बड़ा महंगा सा सुंदर सा प्लांट रखा है, इसका नाम अभी याद नहीं आ रहा है मुझे, इसके पत्ते भी इसने पीले कर दिए, इन्हें भी हटाना पड़ेगा यहाँ से। और यहाँ मैंने इसकी कटिंग लगाई थी, ये कटिंग हो गई है, एक कटिंग ये पहले की लगी हुई थी, एक मैंने ये वीडियो बनाते बनाते एक दिन तोड़ के लगाई थी, ये भी हो गई है। और इधर ये कोलिया शायद यहाँ पर बिल्कुल छाया है तो इस वजह से हो नहीं रहे हैं। और ये जामुन का पेड़ ये मैंने विश्व पर्यावरण दिवस के दिन लगाने के लिए तैयार कर रखा है। एक मैंने ऊपर लेमन का प्लांट भी तैयार कर रखा है, लेकिन वो बहुत छोटा है तो ये बड़ा हो गया है, इसका स्टेम भी आप देखिए कितना मोटा हो गया है, तो किसी वाइल्ड प्लेस पे किसी जंगल वाली जगह पे इसको भी लगा दूँगी। और इसके स्टेम के अंदर कीड़ा मिला था मुझे जिसने सारे पत्ते खा दिए थे और स्टेम को खोखला कर दिया था, तो मैंने ये वहाँ से तोड़ दिया था जहाँ तक खा लिया था, तो अब इसमें नई नई ग्रोथ दिखने लगी है। ये बारिश के पानी में रखा हुआ था तो अब इसमें नई ग्रोथ आने लग गई है। और ये पीस ले ली में भी नए नए पत्ते निकल के आ रहे हैं, ये देखिए ये सब नई नई पत्ते निकल के आ रहे हैं इसमें, तो इसका मतलब अब इसमें भी नई ग्रोथ बारिश की जैसे दिखाई दे रही है। और गार्डन इस वक्त ऐसा कुछ दिख रहा है। ये मैंने आज ही रखा है बारिश में, लेकिन आज बारिश आई नहीं है तो आप कुछ दिनों से यहीं पे रखूँगी। इस पर कुछ ऐसा वाइट वाइट सा होने लगा था, ये अंदर रखा हुआ था और ऐसा कुछ वाइट वाइट होने लगा था, तो अभी ये ट्रीटमेंट के लिए मैंने बाहर ही रख दिया है, बारिश के पानी में रहेगा कुछ दिन तो ये भी ठीक हो जाएगा। हालाँकि इसकी ग्रोथ पर कोई असर नहीं पड़ा है, नया पत्ता इसमें निकल के आ रहा है, यहाँ से ये नई ब्रांच निकल के आ रही है, तो इसलिए मैंने इसे बाहर ही रख दिया है। और ये प्लांट अभी अंदर ही रखे हुए हैं, लेकिन इस साइड से यहाँ बारिश आ जाती है, इसमें भी नई ग्रोथ नज़र आ रही है। और ये मॉन्स्टर का छोटे वाले मॉन्स्टर का प्लांट ही देखिए, इसमें यहाँ से एक ही काफ़ी बड़ी जड़ आई है, तो मैं सोच रही हूँ आज इसे कट कर दूँ, यहाँ से भी जड़ आई है और यहाँ पर भी इसकी जड़ें आ गई है, तो इसको भी मैं सोच रही हूँ आज कट करके इसकी कटिंग बना दूँ, ये काफ़ी बड़ा हो गया है। और इसके कुछ पत्ते नीचे से सूखने लगे हैं और इसके बारे में कोई मुझे एक्सपर्ट सजेशन दे सकता है तो प्लीज़ दें मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताएं।
ये करीब 5 फीट हाइट का हो गया है, तो मैं इसे जब छोटा करना चाहती हूँ तो क्या मैं इसे यहाँ आधे से कट करके छोटा कर दूँ, इससे ये पौधा ख़राब तो नहीं होगा? प्लीज़ प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। ये एक और मेरा एरिका पाम है और इस पर भी बारिश पड़ती रहती है, तो ये बहुत ही खिल गया है। वैसे ये खिला ही रहता है लेकिन गर्मियों में थोड़ा सा ऐसा दिखाता है कि मैं बहुत खुश नहीं हूँ, लेकिन आज के लिए ऐसा दिखा रहा है कि जैसे ये बहुत ज़्यादा हैप्पी है। और एक मेरा ये मदर प्लांट है मनी प्लांट का, तो इसके पत्ते भी बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं, लेकिन ये गंदा हो रहा है क्योंकि इधर काम चल रहा था तो इस पर धूल पड़ी हुई थी, बारिश के बूंदें इसमें रुक रुक कर गिरती हैं, क्योंकि इधर इसकी तरफ बंद है तो रुक रुक के गिरती हैं यहाँ बारिश की बूंदें, तो इसलिए थोड़ा सा ये गंदा सा हो रहा है, हो जाएगा। ये मेरा दूसरा एरिका पाम है जिसमें भी नई ग्रोथ आई है, हालांकि इस पर बारिश की बूंदें कुछ ही दिन, मैंने एक ही दिन इसे दोबारा इसमें रखा था धुलने के लिए, अभी दोबारा गंदा हो गया है, दोबारा रखूँगी इसे, इस पर धूल जमी हुई है, तो कपड़े से भी साफ़ कर सकते हैं लेकिन आजकल जब बारिश हो रही है तो बारिश में रखना ज़्यादा बेहतर है। और ये मेरा एग्लोनीमा, एग्लोनीमा बहुत ज़्यादा हेल्दी हो रहा है, इसको भी मैंने एक दिन रखा था बारिश में सफाई के लिए, और हालांकि पत्तों पे धूल जम रही है लेकिन पत्ते बहुत हेल्दी हैं और इसमें फ्लावरिंग भी हो रही है। और ये मेरे प्लांट पे पहली बार फ्लावरिंग हो रही है, तो मैं देखना चाहती हूँ कि क्या इसमें सीड बनते हैं या ये फॉल्स फ्लावरिंग है, तो इसलिए मैंने ये अभी छेड़ा नहीं है इसको, अभी इतना घना हो रहा है। एक मेरा ये क्रेसुला का प्लांट है, इसको भी मैंने एक दिन बारिश में नहलाने के लिए छोड़ा था और इसके पत्ते बहुत हैवी हो रहे हैं, ये इसको बहुत पानी मिलता है इसलिए इसके पत्ते हैवी हो रहे हैं, इसीलिए टूट के भी गिर रहे हैं, तो इसको भी एक दिन बाहर रखूँगी ताकि, लेकिन इसमें पानी शायद ज़्यादा डाल रखा है, नीचे भी गीला हो रहा है हल्का हल्का, तो इस वजह से इसका भी इसमें वेट ज़्यादा है। और ये मेरी गुलदाउदी है, आज मुझे गुलदाउदी की कटिंग करके कटिंग लगानी थी, तो अभी देखती हूँ अगर मन करेगा तो मैं ये वाला काम भी करूँगी। और एक मैंने ये बाहर रखा हुआ है, ये सब आंगन में रखे हुए हैं, इनमें डायरेक्ट बारिश का पानी नहीं पड़ता है, लेकिन ये भी ठीक हो गए हैं, शायद मौसम में ह्यूमिडिटी बढ़ गई है तो इस वजह से भी प्लांट अच्छे होने लगे हैं। तो ये मेरे आंगन में और बरामदे में रखे हुए प्लांट्स हैं जिनका मैंने आज आपको ओवरव्यू दिखाया है, अभी बालकनी में और छत पर रखे पौधों का ओवरव्यू मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। मेरी वीडियो का अंत तक देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद दोस्तों। हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स।